जस्सी जैसी कोई नहीं, जैसे पॉपुलर शो के दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाले करण ओब्रॉय रेप के आरोप में पुलिस हिरासत में है। एक महिला ने करण पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि करण ने रेप का वीडियो बनाया था, इसके बदले वह उनसे पैसे लिया करते थे। अब 9 मई तक करण पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर वह फूट फूट कर रोने लगे। अपना पक्ष रखते हुए करण ने कहा, शुरू में मैंने उनसे फ्लर्ट किया था, लेकिन तब मैं सिंगल था। उस महिला ने मुझे बताया कि उसके पिता उसके साथ मारपीट करते हैं। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, ना ही हमारे बीच सेक्स हुआ। मैंने उन्हें हर जगह से ब्लॉक किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मेरा घर संभालना चाहती हैं और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुंबई में मेरे 2 घर हैं और उनमें से कोई भी गिरवी नहीं है। मैंने अपने घर का सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसे भी दिए थे। उधार देने का उनका दावा गलत है। बाद में मैंने गार्ड से भी कह दिया था कि यह महिला मेरे घर पर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी कलाई काट कर मुझे की थी। मैंने कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। यहाँ पर तो मैं पीड़ित हूँ। मैं इस महिला के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। आपको क्या लगता है करण ओब्रॉय के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।